ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब की आमद की खुशी में किया है। लोगों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को पैदा करने की खुशी भी बड़े अछूते अंदाज में मनाई। आज लोग कहते हैं पैदाइश की खुशी मनाने का मकसद क्या है, पैदाइश पे खुशी मनाने का मतलब क्या है। प्यारे मुसलमानों, आओ जरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सारी कायनात की औरतों को उस वक्त में बच्चे ज्यादा और लड़के पसंद हुआ करते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस सन में अपने महबूब को पैदा फरमाया, उस सन में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी कायनात की औरतों को अल्लाह ने बेटा देके सारी दुनिया को खुश करके यही बताना मकसद था कि लोगों, मेरे महबूब की पैदाइश की खुशी यही है कि सारी दुनिया भी खुश रहे और तुम्हारा रब भी खुश रहे। यही अल्लाह रब्बुल इज्जत के अपने महबूब को भेजने की खुशी मनाने का अंदाज है। लोगों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का हम लोगों में क्या फायदा हुआ ये तो सारी दुनिया जानती है। आज सारी दुनिया में कितने मजाहिब हैं, उन मजाहिब में अगर तकाबुल के एतबार से देखा जाए तो इस्लाम से आगे कोई मजहब नहीं, इस्लाम से ज्यादा हक मजहब कोई नहीं, इस्लाम से ज्यादा रोशन कोई मजहब नहीं, इस्लाम से ज्यादा वाज़ेह कोई दीन नहीं। प्यारे मुसलमानों, इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है जिसने सारी दुनिया को अच्छे से अच्छी तालीमात दी। आओ आका अलैहिस्सलाम के दौर से पहले का मैं सिर्फ एक वाक्य आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार एक बाजार से गुजर रहे थे कि सामने देखते हैं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों के सामने एक बड़ा खूबसूरत नौजवान आ जाता है। अल्लाह के रसूल दिल ही दिल में ख्याल करते हैं, ऐ मेरे रब, तूने इतना खूबसूरत नौजवान पैदा किया है, तू इसे जहन्नम की आग से बचा ले, यानी तू इसे इस्लाम की तौफीक दे दे। प्यारे मुसलमानों, नमाज मगरिब का वक्त होता है, अल्लाह के रसूल दुआ करके मस्जिद नबवी तशरीफ ले जाते हैं। वो जवान अपने घर जाता है, रात का अंधेरा होता है, वो बड़ा बेचैन होने लगता है, उसके दिल को कोई सुकून नहीं हुआ। सुबह को फजर की नमाज से पहले वो मस्जिद नबवी के दरवाजे पे आके खड़ा हो गया। मेरे नबी फजर की नमाज के बाद जब मस्जिद नबवी के दरवाजे से बाहर निकले, सामने देखा कि वही खूबसूरत नौजवान जिसकी मुलाकात बाजार में हुई थी, वो मुस्तफा के चेहरे को बड़ी टिकटिक की निगाहों से देख रहा है, बड़ी निगजमी हुई निगाहों से मुस्तफा के चेहरे को देखता है। मेरे नबी पूछते हैं, जरा चेहरा देखने की वजह क्या है? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, जरा ये बता निगाहों में क्या बसाना चाहता है। वो अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, जब से निगाहों का टकराव आपकी निगाहों से हो चुका है, या रसूल अल्लाह, सारी जिंदगी में किसी भी बात को लेके आज तक इतनी बेचैनी नहीं हुई है जब से आपसे निगाहें मिली है। या रसूल अल्लाह, अब तो दिल करता है कि बस आपके कदमों में आके बैठ जाऊं। मेरे नबी ने यह बात सुनी, मेरे नबी खुश हो गए और उसको कलमा पढ़ाया। और कलमा पढ़ाने के बाद हजरत दहिया कलबी उनका नाम था, हजरत दहिया कलबी फौरन मस्जिद नबवी के दरवाजे से मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ ले जाते हैं और रोने लगते हैं। मेरे नबी रोने का सबब पूछते हैं, वो दहिया कलबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने जिंदगी में बड़े गुनाह किए हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने जिंदगी में बड़े बड़े गुनाह कर दिए हैं, या रसूल अल्लाह, उनकी मुआफी कैसे होगी? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ दहिया कलबी, इस्लाम से पहले अगर कोई गुनाह करता है तो उसे इस्लाम लाने के बाद सारी फजीलतें बख्श दी जाती हैं, इस्लाम लाने के बाद उसकी सारी गलतियों को दरगुजर कर दिया जाता है। हजरत दहिया कलबी ये सुनते हैं, थोड़ी देर खुशी का अंदाज होता है, फिर हजरत दहिया कलबी रोने लगते हैं। वो फिर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने मेरा गुनाह जिंदगी में आप सुन तो लीजिए, मैंने जिंदगी में गुनाह क्या किया है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बागौर उनको सुनने लगते हैं। वो कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं अपनी जिस मुआशरे में रहता हूँ उस मुआशरे की सदारत करता था। मेरे मुआशरे का ये मामूल था कि जब उनके घरों में कोई बच्ची पैदा होती थी और उस बच्ची की उम्र जब 10 साल के करीब हो जाती थी तो मैं उन लोगों के साथ मिलके सारे मुआशरे की बच्चियों को कब्र में जिंदा दफन कर दिया करता था, या रसूल अल्लाह, जिंदा दरगोर कर दिया था। मेरे नबी ने जब ये बात सुनी, आपकी आंखों से थोड़े से आंसू निकलने लगे, मुस्तफा की आंखें नम हो गई। प्यारे मुसलमानों, इतने में हजरत जिब्राइल
सलातो सलाम आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप पर कलमा पढ़ने की खुशी में तहिया कलबी के सारे गुनाह माफ कर दिए हैं। या रसूल अल्लाह, जिंदगी में तहिया कलबी ने जितने भी गुनाह किए हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारे गुनाहों को माफ कर दिया है। मेरे नबी खुश हो जाते हैं, हजरत तहिया कलबी को ये परवाना सुनाते हैं, ये खुशी का मुजदा सुनाते हैं, तो हजरत तहिया कलबी भी खुश हो जाते हैं। लेकिन प्यारे मुसलमानों, थोड़ी देर के बाद हजरत तहिया कलबी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह बस एक बात और बताना चाहता हूँ। मेरे नबी ने पूछा, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, हाँ तहिया कलबी बताओ वो कौन सी बात है। तहिया कलबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह एक वक्त था कि जब मैं अपने घर से निकला, मेरी बीवी हामिला थी, उसके पेट में बच्चा था, मैं एक सफर के इरादे से, एक तिजारत के इरादे से एक जगह को मैंने सफर किया। या रसूल अल्लाह जब मैं वापस आया तो मुझे 10 साल लग गए वापस आने में। जब मैं अपने घर पहुंचा, घर पहुंचने के बाद मैंने देखा, मैंने अपने घर का दरवाजा खटखटाया, घर से एक बच्ची अंदर से आती है और पूछती है आप कौन है। मैं उस बच्ची को बताता हूँ कि मैं इस घर का मालिक हूँ, लेकिन बेटी तू कौन है। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है फौरन मेरे कदमों को चिपट जाती है, वो कहती है बाबा जान मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ, मैंने तुम्हें कब से ढूंढा है, मैं तुम्हें बहुत दिन से तलाश कर रही हूँ, तुम्हारी सूरत देखने के लिए मैं बिल्कुल तरस गई हूँ। बाबा जान आपने मुझे चेहरा दिखाए हुए, बिल्कुल आपने मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाया। हजरत दहिया कलबी जैसे ही ये बयान करते हैं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बागौर इस बात को सुनते हैं। वो फिर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आगे ये हुआ कि मैंने पूछा, अपनी बीवी से जाके कहा कि जरा ये बता कि ये बच्ची कौन है। तो उसने कहा, ऐ मेरे सरताज, ये मेरी बेटी है जिसे तुम मेरे पेट में छोड़ के गए थे, ये आपकी वो बेटी है जो उस वक्त में हमल में थी। यार ऐ मेरे सरताज, ये वही बच्ची है जिसे तुम हमल में छोड़ के गए थे। बस ये बात सुनी और थोड़ा सा उस पे नरम मिजाजी जैसा अंदाज बनाया, उस पे प्यार सा आने लगा। प्यारे मुसलमानों, हजरत दहिया कलबी बयान करते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे थोड़ा सा प्यार आया, लेकिन मैंने सोचा कि लोग तो मुझे अपनी कौम का सरदार मानते हैं, अगर आज मैंने अपनी बच्ची को कब्र में नहीं दफन किया तो लोग कहेंगे कि जब अपनी बेटी की मोहब्बत की बात आई तब तो ये मुकर गए, जब अपनी बेटी की मोहब्बत को देखा तो ये खुद ही अपनी बेटी को दफनाने से कतराने लगे, हमारी बच्चियों को तो इन्होंने दबा दिया। या रसूल अल्लाह, बस मैंने ये बात अपने दिमाग में सोची, फौरन उस बच्ची को पकड़ा, घर से बाहर ले गया। मेरी बीवी रोने लगी और मेरी बीवी कहने लगी, ऐ मेरे सरताज, तुम इस बच्ची को दफन मत करना, ऐ मेरे सरताज, तुम इस बच्ची को मत मारना, लेकिन मेरे सर पर जूं तक नहीं रहेंगी। वो फौरन उसे घर जंगल उस गांव से बाहर ले गए, जंगल में ले जाके उसे एक पेड़ के नीचे बिठाया और खुद धूप में जाके एक गड्ढा खोदने लगे। जैसे ही उस बच्ची ने देखा कि मेरे बाप को बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, उसने देखा कि मेरे बाप की पेशानी पर पसीना आ चुका है, वो फौरन अपने बाप के करीब जाती है, उसके गले में जो छोटा सा दुपट्टा होता है उस दुपट्टे से अपने बाप का पसीना पोंछती है। दहिया कलबी बयान करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो मेरी बेटी कभी मेरे सर का पसीना पोंछती है, कभी मेरे पीछे मेरे गर्दन में हाथ डाल के मोहब्बतों का मुजाहिरा करती है, उससे कहती है ऐ बाबा जान, अगर जिंदगी में तकलीफ मेरे चेहरे से है तो कभी भी मैं अपना चेहरा तुम्हारे सामने नहीं लाऊंगी। ऐ बाबा जान, अगर जिंदगी में तकलीफ मेरी फरमाइशों से है तो कभी भी जिंदगी में मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांगूंगी। लेकिन बाबा जान, बताओ तो सही, तुम ये क्यों करना चाहते हो। लेकिन उस बच्ची को क्या पता था कि थोड़ी देर के बाद इसी गड्ढे में मुझे दफन होना है, इसी गड्ढे में मुझे गिर जाना है। प्यारे मुसलमानों, तहिया कलबी रोते रोते मुस्तफा से बयान करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे बिल्कुल भी ख्याल ना आया, मैंने अपनी बच्ची को उस गड्ढे में धक्का दिया और या रसूल अल्लाह, मैं ऊपर से मट्टी डालने लगा। मेरी बच्ची सोचने लगी, शायद मेरा बाप मजाक कर रहा हो, शायद मेरा बाप कोई खेल खेल रहा हो। लेकिन या रसूल अल्लाह, जब उसके कांधे तक, जब उसकी गर्दन तक मिट्टी पहुंच गई, जब उसकी गर्दन पे मिट्टी पहुंच गई, उसे यकीन हो गया मेरा बाप अब मुझे मार देगा। वो आसमान की तरफ हाथ उठाती है, दुआ करती है, ऐ मेरे रब, अब तो कोई ऐसी जात भेज दे जिस जात से सारी दुनिया की औरतों की हिफाजत हो सके। ऐ मेरे रब, अब तो कोई ऐसा इंसान भेज दे जो सारी दुनिया की औरतों की हिफाजत कर सके। या रसूल अल्लाह, जब से आपसे मुलाकात हुई है ये यकीन हो गया है कि कुछ हो ना हो मेरी बेटी की दुआओं से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी जात को सारी दुनिया की औरतों की
की हिफाजत के लिए पैदा फरमा दिया। प्यारे मुसलमानों, वो बच्ची जैसे ये बात, जैसे ये हजरत दहिया कल्बी मुस्तफा की बारगाह में ये बात कहते हैं और वो कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपकी बेसत का उसने बड़ा इंतजार किया, आपके आने का उसने बड़ा इंतजार किया। मेरे नबी इस बात को सुनते हैं और अपनी आंखों से आंसू जारी फरमाते हैं। मेरे नबी की आंख से बार बार आंसू निकलते हैं और मेरे नबी फिर इरशाद फरमाते हैं कि दहिया कल्बी, इस वाक्य को जरा दोबारा बताया जाए। मेरे नबी ने दोबारा सुना, फिर तीसरी बार इरशाद फरमाया कि दहिया कल्बी, इस बात को जरा तिबारा बताया जाए कि उस बच्ची ने मुझे याद किया, वो बच्ची, उसकी निगाहों में मेरा चेहरा था। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात इरशाद फरमाते हैं और अपनी आंखों से आंसू जारी फरमाते हैं। लोगों, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही आंख से आंसू जारी फरमाते हैं, सारे सहाबा इकट्ठा होकर दहिया कल्बी के पास आते हैं और अर्ज करते हैं, दहिया कल्बी, हमारे नबी को क्यों रुलाते हो? दहिया कल्बी, हमारे नबी को क्यों इतना रुलाते हो? दहिया कल्बी खुद भी रोते हैं और बात बताते हैं। जैसे ही सारे सहाबा ने उनको खामोश किया, मेरे नबी ने फिर इरशाद फरमाया, दहिया कल्बी, फिर इस बात को दोबारा बताया जाए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सारे सहाबा हाथ बांध कर बैठ गए कि या रसूल अल्लाह, जब से आप आए हैं रहमतों भरा निजाम आ चुका है, सारी दुनिया में अमन और शांति का माहौल हो चुका है। या रसूल अल्लाह, हमसे पहले कौमों का हाल यह था कि अगर कौम कोई गुनाह करती थी तो उस कौम को फौरन सजा दी जाती थी, लेकिन मुस्तफा, जब से आप आए हो रहमतों का निजाम आ चुका है, अब रब किसी को भी अजाब नहीं नाजिल फरमाता। का आपने नहीं सुना होगा, आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी का इस बिना पे सांस रोक दिया हो कि वो बहुत नाफरमानी करता था। अल्लाह ने किसी का इसलिए रिस्क मुनक़ते कर दिया हो कि वो अब उसके महबूब की नाफरमानी करता था। नहीं नहीं प्यारे मुसलमानों, जब से मुस्तफा इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं, सारी दुनिया में इस्लाम का निजाम आ चुका है, मोहब्बतों भरा निजाम आ चुका है और जब तक रूए जमीन पे ये निजाम बाकी रहेगा, लोगों याद रखो, उस वक्त तक सारी दुनिया में अमन और शांति बनी रहेगी। और जिस दिन निजाम इस्लाम खत्म हो गया, उसी दिन दुनिया से शांति खत्म हो जाएगी, अमन का खात्मा हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है मेरे बोलने और आपके सुनने में जो भी गलती हुई हो, अल्लाह उसको अपनी रहमत से माफ फरमाए, सही को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। एक बार जोर से कलमा तैयबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।